नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर उपेश। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कितना जरूरी होता है वो लिगेचर, वो कपड़ा या वो रस्सी या जिस चीज से ऐसा कहा जाता है कि इस बंदे ने सुसाइड किया है या आत्महत्या की है या इसको गला घोट कर दबाया गया है या ऐसी कोई भी कथित चीज होती है। हम ये सब जानते हैं कि किस तरीके से, किस बेसब्री से हम सुशांत के केस में धारा 302 लगने का या CBI के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग अपने अपने तरीके से, काफी यूट्यूबर्स, आप लोग, बहुत लोगों ने एविडेंसेस देने की कोशिश की CBI को, अलग अलग तरीके से एविडेंसेस पहुंचाए। और जो मेरे सोर्सेज है, मैं उनसे ही पता करने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा कि आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। पर हमको कोई भी संतोषजनक अब तक एक भी जवाब नहीं मिला है CBI। आखिर ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है या किस चीज पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसे कौन से एविडेंसेस है जिसको CBI खंगाल रही है, जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने नहीं दे रहे हैं। सो वी आर नॉट रीचिंग ऑन एनी कंक्लूजन। व्हाट आर दोज एविडेंसेस, व्हाट आर दोज सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, व्हाट इज दोज व्हिच आर प्लेइंग द हिंड्रेंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस इन सुशांत सिंह राजपूत। एनीवेज दोस्तों, हम बात करते हैं कि लिगेचर जो होता है वो कपड़ा कितना जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो लिगेचर के बारे में आता है कि आखिर वो कपड़ा है क्या, वो लिगेचर है क्या। अब वो कोई कपड़ा है, वो कोई कपड़ा है तो कौन सा कपड़ा है, क्या वो सूती कपड़ा है, क्या वो नायलॉन का कपड़ा है, क्या वो एक कुर्ता है, क्या वो एक पर्दा है, क्या वो एक दुपट्टा है, या क्या वो कपड़ा नहीं है, कपड़े के अलावा कुछ है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कपड़े के ही वेरिएशन में इतनी सारी चीजें निकल के आती हैं। ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि क्या वो कपड़ा, उसकी स्ट्रेंथ या उसकी अवेलेबिलिटी, वो वहीं पर अवेलेबल था, यानी कि जिसने भी ये कहा जा रहा है कि सुसाइड है, जो भी कुछ है, स्ट्रैंगुलेशन है, अगर वो वहां पर अवेलेबल नहीं था तो दोस्तों वो कहां से आया, सबसे बड़ी बात हो जाती है ये। और अगर वो वहां पर अवेलेबल है तो उस कपड़े को चूज क्यों किया गया, क्या जरूरत थी कि अगर हम सुशांत की बात करें तो SSR ने वही कपड़ा चूज किया जिसको पहले कभी पर्दा कहा जा रहा था, पहले कभी दुपट्टा कहा जा रहा था, फिर कभी कुर्ता कहा गया और लास्ट में उसको कुर्ता कह दिया गया। आखिर ऐसी क्या ग्लिच हुई इन्वेस्टिगेशन में, ऐसी क्या परेशानी थी हमेशा से कभी मुंबई पुलिस को या किसी को कि वो कुर्ता आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, और बाद में जब नीरज ने उसको आइडेंटिफाई किया तो उसको फैब इंडिया बार बार कहकर क्यों बोला गया कि फैब इंडिया कुर्ता था। हमें कोई ब्रांड नहीं जानना था, अगर वो कह देते कि ये कुर्ता है, ये कुर्ता था, तो उसको भी हम मान लेते। और अगर वो कुर्ता था तो वो इतना लंबा कैसे हो गया, इतना लंबा ऊपर तक कैसे टंगा। अगर आप कुर्ते की बाजुओं से लटकाएंगे, ऊपर बांधेंगे तो बाजुएं फट जाएंगी आपके वेट से, किसी के भी वेट से। और अगर काटा जाएगा तो इतना टाइम कैसे मिला, वो कैंची अगर वहीं थी काटने की तो उन्हें सुशांत की बॉडी उतारने के लिए चाकू क्यों लाना पड़ा, अगर सुशांत ने खुद कैंची से काट के वहां पर कुर्ता लटकाया था। तो ये बहुत सारे ऐसे पेचीदे सवाल हैं। अगर मेरी कोई वीडियो इसको देख रहा है, कोई CBI ऑफिसर भी देखेगा, तो मैं भी यही चाहता हूं कि वो इन सब सवालों पर ध्यान दे, और जो कि बहुत जरूरी है इस केस के लिए या किसी भी केस के लिए। अगर आप कोई ऐसे बहुत सारे केसेस दोस्तों अनसॉल्व्ड इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन जिस चीज पे फोकस होनी चाहिए उस चीज पे ना होकर कहीं और फोकस होते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन फोकस होनी चाहिए दोस्तों लिगेचर लिगेचर लिगेचर। मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ कि वो कपड़ा, वो कोई भी चीज जो भी है, वो इतना जरूरी है कि वही सारे सुराग वो है भी, वो यूज भी किया गया है क्राइम में या नहीं किया गया, ये बहुत सारे सवाल है। तो पहली चीज थी वो क्या है, वो कपड़ा है या कुछ और है। दूसरी बात है वो कहाँ से आया, यानी कि विद इन द प्रीमाइसेस था, वो वहीं था या कहीं बाहर से लाया गया। अगर बाहर से लाया गया तो कौन लेके आया, इसकी जांच होनी चाहिए। कैसे आया वो, वहां पर कैसे पहुंचा, इसकी जांच वहां पर होनी चाहिए। और अगर वो वहीं पर था तो वही क्यों यूज किया गया, नंबर दूसरी बात। इसके बाद बात आती है दोस्तों, अगर वो कपड़ा नहीं था, अगर वो कपड़ा नहीं था तो वो रस्सी थी, वो कैसी रस्सी थी, फिर से इसमें बात आती है, वो प्लास्टिक की रस्सी थी या वो जूट फाइबर की रस्सी थी या किस तरीके की रस्सी थी, ऐसी रस्सी कहाँ से लाई गई, क्यों लाई गई, कैसे आई, कैसे प्रमाइसेस में पहुंची, ये सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अब दोस्तों तीसरी बात जो आती है, उस कपड़े की स्ट्रेंथ या उस रस्सी की स्ट्रेंथ, क्या उस रस्सी की स्ट्रेंथ या उस कपड़े की स्ट्रेंथ इतनी थी तो वो इतना वजन सह सके। यहाँ पे दो चीजों का उत्तर देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो उत्तर देने लायक है वो है बॉडी वेट क्या था,
और दूसरी चीज जो आपने सबने देखा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कपड़े की चेक हो रही है। खाली टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक होने से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये चेक होना है कि उसकी बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना खिंच चुका है, जब एक बार हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बाद में चेक करते हैं तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से वो सफिशियंट एनफ था उसको क्लाइंब करने के लिए या नहीं था। क्योंकि अगर वो सफिशियंट ही नहीं था वहां पर, क्योंकि अगर वो इतना वजन सह ही नहीं सकता, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जिसको बताया जा रहा था या बताया जा रहा है कि ये सुसाइड है, तो इस केस में सुसाइड पॉसिबल नहीं हो सकता है। दोस्तों आपने ये देखा होगा, अधिकतर महिलाएं जब केसेस ऐसे होते हैं, कोई भी ऐसे आत्महत्या के केसेस होते हैं, तो वो दुपट्टा, साड़ी या घर का कोई ऐसा ही कपड़ा यूज करती है, क्योंकि वही अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से होती है। जब भी कहीं कोई ऐसी रस्सी वगैरह का आता है तो पहले देखा जाता है कि घर में से ही कहीं लिया गया है, तो ये सबसे पहली अवेलेबिलिटी होती है। अगर घर में से ही कहीं लिया गया है तो फिर से दो प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी, घर वाले ने किसी ने यूज़ किया है या किसी बाहर वाले ने आके यूज़ किया, क्योंकि बाहर वाले के आके यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है वहाँ पर। तो दूसरी चीज़ हमने जानी कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो यूज़ किया जा सकता था ऐसे क्राइम में लटकने के लिए, कहा जाए अगर नहीं तो उससे लटकना भले ही संभव ना हो, पर गला घोटना फिर भी संभव हो सकता है। क्योंकि जो कपड़ा हम जिसकी बात कर रहे हैं या जिस रस्सी की बात कर रहे हैं, अगर उससे लटक के मृत्यु नहीं हो सकती, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, तो ये जरूरी नहीं कि उससे गला दबाकर, उससे गला घोट कर हत्या नहीं की जा सकती। उससे गला घोट कर, इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर उसकी होती है, गला घोट कर हत्या की जा सकती है। नंबर तीसरी बात आती है दोस्तों कि जो गले पर निशान मिले हैं, जो गले पर निशान मिले हैं, यहाँ पर ये क्रूशियल पॉइंट होता है, ये बहुत जरूरी बात होती है कि जो गले पर निशान मिले हैं वो उसी कपड़े के या उसी रस्सी के या उसी बेल्ट के उसी पट्टे के हैं या नहीं हैं। अगर वो नहीं होते हैं वहाँ पर दोस्तों, अगर यहीं पर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही पता किया जाना चाहिए कि ये निशान, ये मार्किंग इससे बन भी रही है या नहीं बन रही है। इसके लिए आप डमी टेस्ट करें या कुछ भी करें, जो कि सो कॉल्ड हमने सुना कि सीबीआई ने डमी टेस्ट किया, हालांकि हमने देखा नहीं कि सीबीआई ने कौन सा डमी टेस्ट किया। डमी टेस्ट में दोस्तों सेम हाइट की, सेम वेट की एक नकली, चाहे तो जिलेटिन बॉडी कहें या उसको वुडन बॉडी कहें या कुछ भी कहें, ऐसी बॉडी ली जाती है और उसको लटका कर देखा जाता है कि ऐसे मार्किंग, कपड़े को रंग कर देखा जाता है कि ऐसे मार्किंग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर ये टेस्ट हुआ तो इसका क्या रिजल्ट आया था? ये टेस्ट बहुत जरूरी होता है कि वैसे मार्किंग बन रहे हैं, और वैसे मार्किंग यानी कि उस कपड़े के मार्किंग। अब जो एक लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज या फॉरेंसिक साइंस में जो फॉरेंसिक स्टूडेंट है वो मेरी इस बात को समझेंगे, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स ट्रेसेस, यानी कि जब दो चीजें परस्पर आपस में मिलती हैं तो दोनों के कॉन्टैक्ट में कुछ मैटर्स का एक्सचेंज हो जाता है, कुछ मैटर एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैं किसी सरफेस को अगर टच करता हूँ तो मेरे फिंगरप्रिंट वहाँ आ जाएंगे और उस सरफेस की जो डस्ट डर्ट पार्टिकल हैं वो मेरे हाथों पर आ जाएगी। इसी तरीके से जब मैं कहीं चल रहा हूँ तो मेरे फुट वियर मार्क्स या फुट प्रिंट्स वहाँ पर आ जाएंगे और वहाँ के सरफेस से मेरे ऊपर डस्ट, मेरे पैरों पर डस्ट या जो भी पार्टिकल्स है वो वहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से जो कपड़ा यूज किया जाता है तो उसके फाइबर्स, उस कपड़े के फाइबर्स, अगर कोई लटक रहा है, अगर कोई अपने आप से लटक रहा है, तो इतना ज़्यादा कंप्रेशन हो जाएगा उसका कि उसके फाइबर्स दोस्तों वहाँ पर आपको गर्दन पर देखने को इजीली मिल जाएंगे। इतने तगड़े, इतना ज़्यादा सस्पेंशन, इतना डीप सस्पेंशन होता है, कपड़े के फाइबर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और कपड़े पर किसी भी इंसान के स्वेट मार्क्स यानी कि पसीने के मार्क्स, उसका खून भी हो सकता है, उसके टिश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन इस केस में किया गया था? क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी इन्वेस्टिगेशन का कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो ये यहाँ पर इतना बड़ा सवाल है कि उस कपड़े को, जो भी था वो दुपट्टा, पर्दा, सो कॉल्ड जो भी चीज़ थी, क्या उसको लिंक किया गया सुशांत की नेक से, लिंक किया गया? क्योंकि हमने कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी। अगर लिंक किया गया है ये केस तो कब का सॉल्व हो गया होता। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फाइबर्स, स्वेट, टिश्यूज की बात की, जो कि आपस में इन दोनों को, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी मार्किंग जैसी बनेंगी रस्सी की, क्योंकि एग्जैक्ट रेप्लिका उसका बनेगा उस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद आती है दोस्तों उसकी गांठ, कपड़े की गांठ किस तरफ थी। कभी कोई सुसाइड करता है तो हमेशा जिस साइड में गांठ लगाई जाती है उसके अपोजिट में गर्दन लटकती है, पर क्योंकि यहाँ पर सुशांत के केस में ना तो कोई दोस्तों फोटोग्राफ था जो कि ये बताए कि सुशांत की गर्दन किस ओर लटकी हुई थी, ना ही कोई वीडियोग्राफ था ऐसा, और जो सुशांत की गर्दन पर जो मार्क्स दिख रहे हैं हमें लेफ्ट साइड में, वो भी हमें गांठ के मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, वो हमें किसी बकल के, जो मैं आपको बताया था, या स्टंदन के या ऐसी चीज के मार्क्स दिख रहे हैं। हमें आज तक ये पुष्टि नहीं हुई, कम से कम ये जवाब तो हमारे पास सार्वजनिक रूप से आना चाहिए था कि ये कैसे मार्क है, क्योंकि ये केस इतना बढ़ गया था आगे मीडिया में कि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना बहुत ही आवश्यक
हो गया है, क्योंकि जिस साइड में भी गांठ लगाई जाती है उसके अपोजिट साइड में ही ये रूल है, उसके अपोजिट साइड में गर्दन लटकती है। तो अगर कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन होता है तो वो प्रोबेबली राइट हैंड साइड में गांठ लगाता है, और कोई राइट हैंड होगा प्रोबेबली लेफ्ट हैंड साइड में गांठ लगाता है। और जब अधिकतर ये देखा गया है कि अपने आप को जब भी कोई जो सरकने वाली नूज जिसे कहते हैं बांधी जाती है, तो पीछे की ओर नूज बांधी जाती है और पट्टा डाल के और अपने आप को लटका लिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों गांठ की पोजीशन यानी कि द पोजीशन ऑफ द नॉट इज वेरी मच कंपलसरी एंड नेसेसरी टू आइडेंटिफाई टू एग्जामिन इन सच केसेस ऑफ सस्पेक्टेड सुइसाइड और स्ट्रेंगुलेशन। अब जब भी स्ट्रेंगुलेशन होता है तो दोस्तों ज्यादातर पीछे की तरफ से ही होता है, क्योंकि आप किसी की गर्दन पीछे की तरफ से ही दबाएंगे कसेंगे और इस तरीके से, तो जो भी पट्टे पर या जो भी चीज पर मार्किंग जहां जहां होंगी वो वहां वहां बन जाती है। और ऐसी जो सर्कुलर मार्क हमें सुशांत के गले पर देखने को मिली वो किसी पट्टे के मार्क्स लगते हैं, ना कि उस कपड़े के। उस कपड़े के मार्क्स होते तो वो इररेगुलर मार्किंग्स होती और वो काफी ऊपर की तरफ जाती। इसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है द पोजिशन ऑफ द लिगेचर मार्क, यानी कि जो लिगेचर मार्क बने हैं वो किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर हमने सुशांत के केस में देखा, हमारे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ऊपर की तरफ यू शेप पर, ऐसा नहीं था। हमने देखा कि सर्कुलर मार्क थे और पीछे तक भी पूरे नहीं जा रहे थे, एक तरफ काफी डीप हो रहे हैं और दूसरी तरफ काफी हल्के मार्क्स हैं, जो कि गांठ की पोजीशन नहीं दिख रही है, गांठ नहीं दिख रही है। और वहां पे दो स्टन गन जैसे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं और वहां पे एक लंबा बाल भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कि लिंकेज पैदा करता है या लिंकेज प्रूव करता है किसी और चीज से, किसी और पर्सन से, चाहे वो किसी के भी बाल हों, क्योंकि वो सुशांत के भी हों तो वो एनालिसिस कहाँ है, वो हेयर एनालिसिस कहाँ है, जो हेयर सैंपल प्रिजर्व किया गया था उसकी कोई भी एनालिसिस नहीं आई कि वो किसके बाल थे या किस चीज से थे। तो जिस तरीके से हमने बात कही दोस्तों पोजीशन ऑफ द लिगेचर मार्क, क्योंकि यही बता देगी पोजीशन कि बॉडी लटकाई गई है यानी कि लटकी है या नहीं लटकी है। तो हमें सुशांत के केस में पोजीशन ऑफ द लिगेचर मार्क देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सुशांत की बॉडी किसी भी तरीके से कभी भी लटकी थी। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि एंटीमार्टम है या पोस्टमार्टम, यानी कि मरने से पहले अगर किसी को जिंदा किसी ने आत्महत्या की है तो उसकी जो ब्रूजिंग, उसकी जो इंजरी मार्क्स होते हैं वो अलग तरीके के बनते हैं, उनके सिम्टम्स अलग होते हैं। और जब किसी को पोस्टमार्टम हैंगिंग यानी कि मरने के बाद उसका गला घोट दिया जाए या मरने के बाद उसको लटका दिया जाए तो वो ब्रूजिंग या वो मार्किंग अलग तरीके की होती है। तो इसकी भी कोई भी, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एंटीमार्टम इंजरीज थी यानी कि मरने से पहले की इंजरीज थी, तो वो ये साबित नहीं करती दोस्तों ये मरने से पहले की इंजरी कि ये लटक के हुई है इंजरी या ये गला घोट के, क्योंकि दोनों ही केस में, चाहे वो स्ट्रैंगुलेशन का केस हो या सुसाइड का केस हो, दोनों ही केस में हमें एंटीमार्टम इंजरीज देखने को मिलेंगी। तो इससे कोई बात साबित नहीं हुई यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि किस तरीके की, खाली एक लाइन लिख देने से ये साबित नहीं होता कि ये एंटीमार्टम इंजरीज थी तो ये सुसाइड ही था, नहीं, स्ट्रैंगुलेशन में भी किसी को गला दबा के अगर मारा जा रहा है गला घोट के तो भी एंटीमार्टम इंजरीज ही बनेगी और कुछ इंजरीज नहीं बनेगी। और दोस्तों सबसे आखिर में जो देखा जाता है वो जो पोस्टमार्टम के समय जब हम नेक को खोलते हैं तो इंजरीज कितनी डीप हैं, कैसा कलर है, टिश्यूज का कैसा कलर हो गया है, ये सब चीज़ें दोस्तों पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं कि स्ट्रैंगुलेशन है या फिर सुइसाइडल हैंगिंग है या होमिसाइडल हैंगिंग है। हैंगिंग खाली सुइसाइडल नहीं है दोस्तों, होमिसाइडल भी हो सकती है, किसी को लटकाया जा सकता है ज़बरदस्ती। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपने आप लटक रहा है तभी यू शेप मार्क बनेंगे, किसी को लटकाया भी जा रहा है तब भी यू शेप मार्क आ सकते हैं। तो दोस्तों लिगेचर अपने आप में, लिगेचर और लिगेचर मार्क अपने आप में इतनी बड़ी चीज होती है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन उसी पर हो सकता है और पूरा का पूरा केस वहीं से सॉल्व हो सकता है, जो कि बहुत ही फॉरेंसिक एविडेंस है, अपने आप में इतना बड़ा एविडेंस है। बाकी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो दोस्तों कोरोबरेटिव होते हैं, यानी मिलाए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, पर ये चीज़ ऐसी होती हैं जो ना छुपाई जा सकती हैं, जो कि दिखती हैं और सीधे सच बताती हैं। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि जिंदे आदमी से ज़्यादा मुर्दा सच बोलता है, और यहाँ पर इन चीज़ों का सवाल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और हम सब एक ही मुहिम में जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही मुहिम में लगे हुए हैं और हम लगे रहेंगे जब तक कि हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।